रेडी हैं आप? ओह भाई, किस चीज़ के लिए? चलिए बताते हैं आपको थोड़ी सी डिटेल। बहुत जल्दी व्लॉग आने वाला है। किस चीज़ का? नहीं, हमारे तो रोज़ आते हैं, शहनाज गिल का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चैनल पर नए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब करिए। थोड़ी सी डिटेल आप सभी से शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, शहनाज गिल चंडीगढ़ पंजाब की सैर कर रही है। शहनाज गिल काफ़ी सारे बच्चों से मिल के उनके यकीनन जो सपने होते हैं ना, बड़े बड़े सपने बच्चों के, बच्चों के, आप कहेंगे बच्चों के क्या सपने होते हैं? नहीं भाई, ये गलत फहमी है। बच्चों के भी सपने होते हैं कि हम ये करें, हम वो करें, इंसान तो वो भी है ना। तो उनके सपनों को शहनाज गिल जानने के लिए निकली। शहनाज गिल ने काफ़ी अच्छे से सभी से बातचीत करी। काफ़ी सारे लोग शहनाज गिल से हद से ज़्यादा इम्प्रेस हुए। काफ़ी सारे लोगों ने शहनाज गिल की बातों को अप्रिशिएट किया। काफ़ी सारे लोगों ने शहनाज के साथ में वीडियो वगैरह बनाई। चलिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि शहनाज गिल का उनके खुद के चैनल पर एक व्लॉग आने वाला है बहुत जल्दी। बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ आपको। शहनाज गिल के चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर, वहीं का एक बहुत बड़ा ब्लॉग आने वाला है। साथ ही साथ में शहबाज बदेजा के चैनल पर भी आएगा, मगर अभी ये नहीं पता कि पहले शहनाज का आएगा या फिर पहले शहबाज का आएगा। आई थिंक, जहां तक का मेरा आइडिया है, तो पहले शहनाज गिल का ही चैनल है, क्योंकि वो ऑफिशियल बड़ा चैनल है। तो शहनाज गिल के चैनल पर आएगा, फिर बाद में जो BTS वगैरह होंगे छोटे मोटे, वो हमें शहबाज के चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। मगर सबसे बड़ी बात, शहनाज गिल ने अमृतसर मेरे मुंह से निकली होगा, अमृतसर में शहनाज गिल ने टाइम स्पेंड किया। साथ ही साथ में शहनाज गिल ने पंजाब में टाइम स्पेंड किया, अपनी दादी के साथ में कुछ पल बिताए। साथ में शहनाज गिल के पापा यानी कि संतोख सिंह सुख जी शहनाज गिल से मिलकर बहुत हैप्पी हुए। शहनाज गिल को गले से लगाया, शहनाज गिल को अपने पास में रखा कि तू बस मेरे साथ में टाइम स्पेंड कर। और जितने भी यकीनन सारे पापा गिल के मिलने वाले हैं, जितने भी सब पापा गिल की कम्युनिटी के साथ में घूमते हैं, पूरी जो जो उन्होंने उनकी पूरी मेजॉरिटी बनी हुई है, वो सब शहनाज से ज़्यादा इम्प्रेस हुए मिलके। और यकीनन सब शहनाज गिल के फादर को बढ़ावा दे रहे हैं कि यार वाकई में आपकी बेटी ने जो करके दिखाया है ना, वो यकीनन बहुत कुछ दिखाया है। ये सारी शॉर्ट वीडियोस आई हैं जो मैं आपको सब एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। साथ ही साथ में कुछ अपडेट्स भी हैं, वो भी सब कुछ मिला के मिक्सअप करके आपको इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। शहनाज गिल ने अपने फैमिली मेम्बर्स यानी कि चाहे बात करें दादा दादी की या फिर अपने माता पिता की, शहनाज गिल ने सभी के साथ में अच्छे से मिलना जुलना किया। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि शहनाज गिल एक दिन ऐसा होगा टाइम निकाल के जाएंगी, डेफिनेटली जाएंगी टाइम निकाल के, और वहाँ पर अच्छा खासा टाइम स्पेंड करेंगी। तो वो टाइम शहनाज गिल ने अपने उस काम को छोड़कर, अब ऐसी बात नहीं है कि शहनाज के पास काम नहीं है तो वहाँ पर जा रही है, ये मत समझ लेना। शहनाज के पास काम भरपूर है, मगर शहनाज गिल वहाँ पर जो गई है, देखो वहाँ बाद में भी जाना था, वहाँ पर अब भी जाना था। तो इसलिए बहुत सारे लोग आते हैं ना, जज करते हैं, उल्टा सीधा भौंकते हैं और चले जाते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, ये वो फलाना ढिमका तरह तरह की बात। छोड़ो यार, अभी फिलहाल दूर रखो इन सारी बातों को। मगर हाँ, शहनाज गिल का प्लान था काफ़ी टाइम से घर जाने का, अभी से नहीं, बहुत टाइम से, पिछले एक साल से शहनाज गिल का था कि हाँ जब टाइम मिलेगा तब घर जाऊंगी। ये शहनाज गिल ने एक इंटरव्यू में भी कही थी ये बात। मगर शहनाज गिल को अब टाइम मिला, गई वहाँ पर, मिली जुली काफ़ी अच्छे से उन्होंने बातचीत करी। शहनाज गिल के फादर इम्प्रेस हुए, शहनाज गिल की दादी हैं वो इम्प्रेस हुई, शहनाज गिल की मॉम तो ऑलरेडी मुंबई में जाती रहती हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा शहनाज गिल से वैसे इम्प्रेस। और शहनाज गिल का जो दुख है, दर्द है, सब कुछ है, वो बांटने की कोशिश करी। यकीनन शहनाज गिल ने काफ़ी अच्छी तरीके से उनसे बातचीत करी। मगर सबसे बड़ा खबर ये है कि बहुत जल्दी हमें शहनाज गिल के चैनल पर व्लॉग देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, 12 तारीख में जो सिद्धार्थ का बर्थडे आ रहा है, उसके लिए एक स्पेशल बहुत बड़ी प्लानिंग है। वो प्लानिंग क्या है, उम्मीद ना रखना कि मैं कुछ बताऊँगा वो प्लानिंग, और ना ही मुझे इतना पता, ठीक है? तो जो होगा वो हमें देखने को मिल जाएगा 12 तारीख में, इंतज़ार करिए। आप भी ऐसे ही इंजॉय करते रहिए। और इसके अलावा जितनी भी सारी वीडियोस आ रही हैं जो हमारे पास टीम काम कर रही है, मैं उनसे कह देता हूँ, वो अपने आप ही कर देते हैं सारी वीडियो पोस्ट वगैरह जो भी होता है, और आप तक वो सारी वीडियोज़ पहुँच जाती हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? एक्साइटेड मैं जब बहुत ज़्यादा, तो आप कितना होंगे फिर सोचो ना, है ना? चैनल पर नए, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है।